हेलो फ्रेंड्स, दिस डॉक्टर अभिलाष मोदी, आई वेलकम यू ऑल ऑन डॉक्टर मोदीज इंग्लिश ढाबा। आज हम जो चीज सीखने जा रहे हैं वो क्या है, देखिए देखते हैं। गाइस, क्या कभी आपने किसी को इस तरीके के सेंटेंसेस बोलते हुए देखा है? जैसे आई एम नॉट स्लीप प्रॉपरली, शी इज नॉट टॉक प्रॉपरली, आई विल बी बिकम सक्सेसफुल। जब लोग इस तरीके के सेंटेंसेस बोलते हैं, या एक और मेरे को सेंटेंस अच्छा याद आ रहा है, आई हैज और आई हैव गोएड देयर, शी हैव टू डू दिस। गाइस, अगर आप इन सब चीजों में देखोगे तो आप एक चीज को पाओगे, वो चीज क्या है, हम इंग्लिश बोल तो पा रहे हैं पर हम इंग्लिश गलत तरीके से बोल रहे हैं, और हमको लग रहा है हम समझा तो पा रहे हैं ना कम से कम, पर हमारा पर्पस, मेरा पर्पस, इस चैनल का पर्पस ये है कि आप सही ढंग से इंग्लिश को बोल पाएं। सिर्फ इंग्लिश को ना बोले, सही ढंग से इंग्लिश को बोल पाएं। अगर कोई भी लैंग्वेज आपको प्रॉपरली आती है, इस चीज को आप जान लें, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप एक शानदार स्पीकर बन जाएंगे, आप लोगों को कम्युनिकेट कर पाएंगे, आप लोगों से बातचीत प्रॉपर लेवल पर कर पाएंगे, लोग आपसे इन्फ्लुएंस्ड होंगे, लोग आपकी बातों को सुनेंगे, अगर आपके पास में प्रॉपर कलेक्शन ऑफ वर्ड है और उसके अंदर सही ग्रामर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो आज जो चीज हम समझने वाले हैं वो ये है, कैसे हम इस चीज को पता करें कि किस हेल्पिंग वर्ब के साथ में कौन सी मैन वर्ब लगती है। देखिए दोस्तों, मैन वर्ब चार तरीके की होती है, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, एक मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और एक और मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब आईएनजी फॉर्म होती है। अगर हमें यह पता चल जाए कि दुनिया की जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स का अर्थ मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था इंग्लिश वाले, हेल्पिंग वर्ब का अर्थ यह होता है जब हमें ये चीज पता चल जाए किसी शब्द के माध्यम से कि ये सेंटेंस किस टेंस, किस टाइम के अंदर बना हुआ है, वो चीज कहलाती है हेल्पिंग वर्ब्स। तो आज हम चीज जो समझने वाले हैं वो चीज ऐसी है कि किस तरीके से हम बिना गलती किए सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें, प्रॉपरली देखें, क्योंकि अगर आप इस चीज को प्रॉपरली समझ पाए तो आप चाहेंगे तो भी आपसे गलती नहीं होगी। वेलकम यू ऑल ऑन डॉक्टर मोदीज इंग्लिश ढाबा, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, चार तरीके की चीजें यहां पर है, डू, डस, डिड, विल और शैल। सेकंड फॉर्म को थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए, हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव, इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ये जितनी भी चीजें हैं इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, देखते हैं। देखिए, पहले नंबर पर जो चीज आपको दिमाग में लगानी है, जो चीज आपको दिमाग में रखनी है, वो चीज क्या है, आपको फर्स्ट नंबर पर इस चीज को ध्यान में रखना है कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेंसेस के अकॉर्डिंग जो चीजें होती है, टेंसेस के अकॉर्डिंग जो मैन वर्ब्स होती है, वहां चार चीजों में लग सकती है, डू में, डज में, डिड में और विल में। मैं यहां पर शैल की बात नहीं कर रहा हूं, शैल को हम बोल सकते हैं, शैल विल की पत्नी की तरह है, शैल विल की गर्लफ्रेंड की तरह है, या शैल विल के बॉयफ्रेंड की तरह है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं समझें, जहां कहीं विल दिख रहा है वहां आपको शैल भी दिख रहा है, जैसे विल हैव, शैल हैव, विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। आप हर जगह पर इस चीज को देख पा रहे हैं, जितनी भी चीजें हैं इन सारी चीजों को आप देख पा रहे हैं। इसलिए हमारे माइंड में चीजों की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, चीजों की याद रखने की कैपेसिटी को ज्यादा करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में समझें कि मैं अभी माइंड में विल ही रखूंगा और एक कोने में रखूंगा माइंड के कि शैल भी साथ में है। ठीक है, विल और शैल में जो आप डिफरेंस समझते हैं कि आई और वी के साथ में शैल लगाना है और बाकी सबके साथ में विल, तो मैं एक छोटा सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम क्यों बोलते हैं फिर कि आई विल डू माई लेवल बेस्ट या आई विल डू माई लेवल बेस्ट, क्यों बोलते हैं? देखिए, ये फिक्स नहीं है कि आई के साथ में शैल ही लगेगा या वी के साथ में शैल ही लगेगा, ये डिपेंड करता है कंडीशन पर। तो दोनों चीजें यहां पर लग सकती है, शैल भी लग सकता है और विल भी लग सकता है। अभी हमें अपने माइंड को कम स्ट्रेस देने के लिए इस चीज को समझना है कि विल और शैल दोनों एक ही चीजें हैं, पर अलग अलग जगह पर वो यूज में आती है, और हमें अभी माइंड में ध्यान में रखना है केवल विल। तो चालू करते हैं गाइस। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर, डू, डज, डिड, विल और शैल। एक बार के लिए मैं शैल को एलिमिनेट कर रहा हूं, शैल हैव को एलिमिनेट कर रहा हूं, शैल बी को और शैल हैव बीन को एलिमिनेट कर रहा हूं। ठीक है, यहां देखिए, डू, डज, डिड और विल, जब भी कभी आपको एज ए हेल्पिंग वर्ब दिखता है, डू या डज या डिड या फिर विल, आपको कभी भी अगर ऐसी कोई चीज दिखाई देती है, डू, डज, डिड और विल, तो आपको एक रूल को ध्यान में रखना है। वो रूल क्या है? डी तीन बार मीन्स 3D और W। क्या ध्यान में रखना है आपको? 3D और W। कभी भी कोई सेंटेंस में, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर
डू डस डिड या विल कभी भी अगर आता है हमको कौन सी फॉर्म लगानी है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. नेक्स्ट नंबर पर देखते हैं सेकंड फॉर्म के लिए यहां पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ इसको थोड़ा सा लेट देखेंगे. मैन वर्ब के थर्ड फॉर्म की बात करते हैं हैज हैव हैड और विल हैव. जब भी कभी किसी भी हेल्पिंग वर्ब में हमको एच ए दिख गया एच ए और एच ए अगर कभी भी हमको एच ए दिखता है किसी भी हेल्पिंग वर्ब के अंदर तो मैन वर्ब क्या लगेगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म के लिए मैंने क्या बताया था आपको डू डस डिड और विल और माइंड में ध्यान में रखना है शैल. उसी तरीके से हैज हैव हैड और विल हैव जब भी कभी एच ए लगता है तो ये चीज कौन सी फॉर्म होती है इसके साथ में कौन सी फॉर्म लगती है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म. आगे चलते हैं इज आर एम वॉज वर विल बी और हैज बीन हैव बीन हैड बीन और विल हैव बीन. जब भी कभी ये सारी चीजें लगने वाली है तो हमको लगानी है इकलौती मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. यहां पर मैंने फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखा हुआ है क्योंकि आईएनजी लगती ही फर्स्ट फॉर्म के साथ में है वो अंडरस्टूड है वो हमें पहले से ही पता होना चाहिए. ठीक है हम यहां बात कर रहे हैं इज आर एम वॉज वर विल बी और विल हैव बीन हैड बीन हैव बीन और हैज बीन के बारे में. इसको याद रखने का तरीका क्या हुआ इसको याद रखने का तरीका था 3D और W. इसको याद करने का तरीका था HA और HA. जब भी कभी ये दिखता है तुमको लगानी है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है. देखिए पहले सबसे सिंपल तो ये है बीन आपको दिखाई दे रहा है यहां पर. जब भी कभी किसी सेंटेंस के अंदर हमको क्या दिख जाए बीन तो हमको क्या लगाना है वहां पर आईएनजी लगाना है बिना किसी तरीके के दिमाग के SRE SRE B और M के साथ मैक्सिमम लोगों को पता होता है कि आईएनजी लगता है आई एम गोइंग. ये बहुत कॉमन सेंटेंस है तो मैक्सिमम लोगों को पता होता है तो देर इज नो प्रॉब्लम कि हम उसमें गलती करें. ठीक है और अगर फिर भी है तो आप इसको याद कर लें प्लीज. तो हमने अभी तक जो चीज समझी है वो चीज क्या है समझे डू डस डिड और विल क्या फॉर्म लगाएंगे हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. एच ए कहीं भी दिख गया अगर हमें हैज हैव हैड और विल हैव हम क्या लगाएंगे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म. is rm means sre was verb means sre will be means be और been वाले चारों has been have been had been और will have been. ये now एक पॉइंट ये आता है कि सर आपने जो यहां क्वेश्चन मार्क बता रखा है ये आप बताएंगे या आपको भी नहीं आता. तो देखिए मैं तो टीचर हूं तो मुझे आता है मैं बता दूं इसके अंदर कि क्या होने वाला है. जब ऐसे सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं जहां पर ना तो मैं है लगाऊं ना ही मैं थे लगाऊं पर फिर भी वो पास्ट का सबसे सिंपल रूप हो वो पास्ट का सबसे सिंपल रूप हो मतलब मैं गया मैंने सोचा मैं शादी में गया मैंने शादी में एक लड़की को देखा मुझे वो लड़की अच्छी लगी मैंने मम्मी से उसके बारे में बात करी पर वो मेरी दूर की सिस्टर निकली मेरा दिल टूटा. ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस जो हम डेली रूटीन में बोलते हैं पास्ट कंसर्न में जिसमें ना है लगता है ना थे लगता है वो चीज कहलाती है मैन वर्ब सेकंड फॉर्म आने की पोजीशन. मैन वर्ब सेकंड फॉर्म सबसे रेयर लेवल पे यूज में आती है. और एक चीज और मैं बता दूं जो यहां बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली वो चीज क्या है कि डू डज ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में नहीं लगता और इसी तरीके से डिड ये भी कभी पॉजिटिव सेंटेंसेस में नहीं लगता. डू डज और डिड ये कभी पॉजिटिव सेंटेंसेस में नहीं लगता है ये लगता है हमेशा नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में और डिड भी हमेशा नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में लगता है. यहां पर हम ये चीज बात नहीं कर रहे हैं ये कहां लगेगा या कहां नहीं लगेगा वो तो हम जब डिटेल वन बाय वन टेंसेस को समझेंगे सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे तो जाकर के हम इस चीज को प्रॉपर लेवल पे कीन लेवल पे और प्रिसाइस लेवल पे समझ पाएंगे. अभी हमारा मेन पर्पस जो है वो केवल इतना सा है कि मैं गलती ना करूं मेरे माइंड में अगर हेल्पिंग वर्ब है तो मैं मैन वर्ब को प्रॉपर लेवल पे लगा पाऊं. तो देखिए हम इन सारी चीजों को समझ चुके हैं आज. लास्ट पॉइंट लास्ट 2 मिनट्स और है वीडियो के इसके अंदर हम क्या सीखने वाले हैं एक बहुत शानदार चीज मैं आपको बताने वाला हूं इसके अंदर वो चीज क्या है. देखिए हमने टेंस वाले जो चीजें होती है मतलब टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स तो समझ ली क्या क्या है वो डू डज डिड विल कौन सी फॉर्म लगाएंगे उसके अंदर हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. मैं गया मैंने सोचा मैं भागा उसने सोचा उसने बुरा माना सब में क्या लगाएंगे मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म. जब भी कभी मैं ऐसा कुछ बात कर रहा हूं
has, have, had और will have अगर मैं sentence में ऐसा कुछ लगा रहा हूँ तो वहां पर मैं क्या लगाने वाला हूँ main verb की third form, और इसके अलावा जितनी भी चीजें बचेगी उसके अंदर भी क्या लगाने वाला हूँ main verb first form plus ing। अगर बात करें auxiliary verbs मतलब helping verbs जो models में काम आती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है auxiliary verbs, होती वो भी helping verbs ही है, जैसे can, could, may, might, ये सारे जितने भी हैं, should have, ये जितने भी हैं ये सभी जो हैं ये एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं। थोड़ा सा इंग्लिश को शायद डिफिकल्ट बनाने के लिए मुझे ऐसा लगता है इसको जोड़ लिया गया है, अदरवाइज दीज आर ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब्स ओनली गाइस, इसमें कोई ऐसा बड़ा डिफरेंस है नहीं, बनाने का पैटर्न वही है, एज इट इज है सब कुछ। तो देखिए वो कैसे हम समझ सकते हैं, समझे कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कुड बी के अंदर क्या लगाऊं, शुड बी के अंदर कौन सी मैन वर्ब लगाऊं, क्या वो भी इसी से क्लियर हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा, विद इन वन मिनट ये क्लियर होने वाला है। सिंपल सा एक सिद्धांत आपको ध्यान में रखना है कि जब भी कभी, देखिए इसका तो रोल ही खत्म हो गया, मैन वर्ब सेकंड फॉर्म दुनिया के केवल एक तरीके के सेंटेंस में लगती है, जब भी मैंने ऐसा कुछ बोला मैं गया, मैंने सोचा, देखिए इसका कोई सिंबल नहीं है, सॉरी टू से दिस थिंग, बट इसका कोई सिंबल नहीं, इसका कोई पहचान का शब्द नहीं है कि मैं आपको फिक्स बता दूं कि ऐसा बोल दो और इसके अकॉर्डिंग सेकंड फॉर्म लग जाएगी, तो कोई सिंबल नहीं है। आपको यही ध्यान में रखना है पास्ट में है था ऐसा कुछ नहीं आए, पर वो चीज पास्ट में घटित हुई हो तो वहां पर हमको लगाना होता है मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो कभी भी मॉडल्स के अंदर यूज में नहीं आएगा, इसको आप ध्यान में रख लें। थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म कब यूज में आती है, देखिए जब भी किसी मॉडल के अंदर ना तो बी हो और ना ही उसके अंदर हैव हो, वो बिना बी और बिना हैव का अगर मॉडल होता है, मतलब बिना बी और बिना हैव का एक्सिलरी वर्ब होता है, तो वो आएगा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाली कैटेगरी में, जैसे कैन, कुड, शुड, ought to, has to, have to, is to, are to, is about to, are about to, जितने भी ये हैं मॉडल्स ये सभी किसमें आने वाले हैं, ये आने वाले हैं मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। नेक्स्ट नंबर पर बात करते हैं थर्ड फॉर्म, जब भी मैंने बोला could have, should have, ought to have, would have, मुझे लगाना पड़ेगा थर्ड फॉर्म, be, जैसे would be, जैसे should be, जब भी कभी be वाला सेंस आ गया तो वहां पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा ing। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी चीज है, do, does, did, will और मॉडल्स में से किसी भी मॉडल जिसमें be से उसका एंड नहीं हो रहा या have से उसका एंड नहीं हो रहा, वहां पर मुझे क्या लगाना है, वहां लगानी है मुझे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म सिंपल सा तरीका है, पास्ट में केवल एक पर्टिकुलर तरीका है, मैंने सोचा, मैंने चाय पी, मुझे अच्छी लगी, मम्मी ने और चाय दी, इस तरीके के सेंटेंसेस के अंदर हमको लगानी है सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म लगानी है हमको has, have, had, will have और shall have और हैव, जिससे जो मॉडल एंड होते हैं वहां पर हमको लगाना है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें भी एच ए आ रहा है, आप इसको इस तरीके से भी ध्यान में रख सकते हैं, और यहां पर भी बी आ रहा है, और जब भी किसी मॉडल के अंदर हमको दिखता है बी तो वहां पर हम जो लगाने वाले हैं वो है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो गाइस देखिए आज का जो ये लेसन था मुझे ऐसा लगता है बड़ा ही शानदार लेसन होगा, और आपने इससे बहुत सारी नई चीजें सीखी होगी। हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर हम जो चीज सीखने वाले हैं वो चीज क्या है, देखिए हमको ये तो पता चल गया कि क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी तो क्या मैन वर्ब लगाएं, कौन सी मैन वर्ब लगाएं, पर अगर हमको यही पता नहीं चल रहा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, मैं जा रहा हूं सर इज लगाऊं, आर लगाऊं, एम लगाऊं, डज लगाऊं, डू लगाऊं, कैन लगाऊं, कुड लगाऊं, कुड हैव लगाऊं, क्या लगाऊं सर समझ में नहीं आता, अगर ऐसा कुछ है तो उस जगह पर आपको उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो बनता है मैं उसे अपलोड करूंगा और आप फिर से इंग्लिश के ज्ञान को अर्जित कर पाएंगे। इट वॉज डॉक्टर अभिलाष मोदी, आई रियली होप गाइस कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इसने आपके इंग्लिश को श्योरली एक नया बूम दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो प्लीज इसको प्रॉपरली सीखें और अगली वीडियो का वेट करें। जो ये दोनों वीडियोज हैं मैं कह रहा हूं ये वीडियो आपके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश विद डॉक्टर अभिलाष मोदी। अगर आप इस चैनल को पसंद करते हैं तो प्लीज लाइक और कमेंट करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।